सेहत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने इंसान को सेहतमंद रखने के लिए खास मंसूबा बंदी की है। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब इन पर गौर किया जाए तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियाँ हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफियत, हमारे जिस्म के निज़ाम उनकी हलाकत खेज आफरीनियों को हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज चलते हैं या तेज सांस लेते हैं तो ये अमल उन जरासीमों को मार देता है और यूं हमारा दिल उन जरासीमों से महफूज रहता है। हर बाशऊर इंसान को अपनी सेहत से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं होता और इंसानी सेहत के लिए मियारी और मिलावट से पाक अशिया का इस्तेमाल ही बुनियादी तकाजा है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे, मुख्तलिफ इदारों को सील करना, भारी भरकम जुर्माने करना और गोरख धंधा करने वालों को गिरफ्तार करना मुसलसल अखबारात और मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। अगर सिर्फ जाली एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक की अब तक पकड़ी जाने वाली फैक्ट्रियों की तादाद को देखा जाए तो यूं लगता है कि खालिस कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में नायाब हैं। ताहम गिनती अभी रुकी नहीं और पकड़ी जाने वाली जाली कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्रियों की तादाद में एक और का इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी ने ग्रीन टाउन के इलाके गुलशन उमर में कार्रवाई करते हुए जाली बोतलों की फैक्ट्री पकड़ी। रिहायशी इलाके में काम करने वाली फैक्ट्री सी 15,220 बोतलें, 4 मन रंग, 18,000 खाली जाली बोतलें बरामद हुईं। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद बताया कि बोतलें केमिकल, मस्नूई मिठास, टेक्सटाइल कलर और तेजाब से तैयार की जा रही थीं। इंतहाई मुजरे सेहत मकदार में सिट्रिक एसिड नामी तेजाब को मस्नूई चीनी में मिक्स करके स्टेंग, सेवन अप, ड्यू और मिरिंडा की जाली बोतलें तैयार की जा रही थीं। फैक्ट्री सील करके तमाम स्टॉक तल्फ कर दिया गया और मशीनरी उखाड़ कर जब्त कर ली गई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर खरीदारों का सुराग लगाया जा रहा है। फैक्ट्री की बोतलें फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अगस्त से तालीमी इदारों में एनर्जी और कोल्ड ड्रिंक्स पर पाबंदी खुश आइन अमल है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजर है। लेकिन इतना काफी नहीं, बल्कि इस कानून पर हकीकी अलमदारी बहुत जरूरी है। मशहूर कहावत है कि उस कानून के बनाने का कोई फायदा नहीं जिस पर अमल दरामद नामुमकिन हो। अशिया खुर्दनोश से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक और गुर्दों की खरीदो फरोख समेत न जाने कितने कवानीन का तमस्खर रोजाना उड़ाया जा रहा है और हमारी हकूमत और कानून पर अमल दरामद करने के पाबंद इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और कौमी खजानों से अरबों रुपए महाना तनख्वाह की सूरत में बटोर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आखिर क्या वजह है कि हमारी सेहत के कातलों में ना इंसानियत है और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी सख्त कि वो ऐसा गोरख धंधा करने वालों को ऐसी इबरतनाक सजाएं दें कि हमारी सेहत के कातिल हमेशा के लिए नाबूद हो जाएं और मुआशरा सेहत के असूलों पर इस्तेवार हो जाए। विसाल उर्दू हक का राही।